आज फिर मैं आपको एक टिप देती हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। टीचर्स की बड़ी समस्या होती है जब वो ब्लैकबोर्ड पे लिखते हैं, एंटर करते हैं क्लासरूम में, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, उसके बाद व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग ओवर द ब्लैकबोर्ड, तो इन द मेन वाइल बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को पिंच करते हैं, पेंसिल से कभी पिंच कर देते हैं, कभी किसी को कॉपी टेयर कर देते हैं, या बुक टेयर खींच दे रहे हैं, इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन करते हैं क्लास में, मतलब आपस में ही फाइट कर देते हैं। उससे क्या होता है, टीचर्स हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो लिखें या फिर बच्चों को संभालें। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप दूंगी आप लोगों को कि जब आप लिख रहे हो तो प्रीवियस चैप्टर में आपने प्रीवियस क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया था उसके बारे में क्वेश्चंस करते जाइए, और जब आप लिख रहे होंगे तो बच्चों को ये भी पूछते जाइए, स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर। सो वो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आपके ऊपर ही होगा, और दे विल स्टार्ट टॉकिंग विद यू ओनली। वो सारा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर लड़ाई में फाइटिंग करने से हटा करके वो आपके ऊपर लेकर के आएंगे कि नाउ माय टीचर व्हाट इज गोइंग टू राइट ओवर द ब्लैक बोर्ड। तो इससे क्या होगा, आप अपने क्लास को भी मैनेज कर लेंगे, अपने बच्चों को भी मैनेज कर पाएंगे, और पीसफुली आप लिख पाएंगे, और बच्चों को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टीचर को बताना है, और उनके अंदर एक जोश भर करके आएगा, नाउ द टीचर इज गोइंग टू आस्क व्हाट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट। एक और छोटा सा टिप्स है, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो क्लास में और आपको प्रीवियस चैप्टर की चीजें चेक करना हो, तो डू वन थिंग, टेक अ बॉल और इस बॉल पर छोटे छोटे से चिप जो है प्रेस करके बना चिपका दें, छोटे छोटे से चिप चिपका दीजिए, और बच्चों के साथ एक गेम खेलिए और बोलिए ये बॉल मैं उछालूंगी और जिसके पास ये बॉल आएगी उसको इसका आंसर देना पड़ेगा। सो इन द मेन वाइल आप क्या कर सकते हैं, आपने जो प्रीवियसली जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, खेल खेल में आप उनसे बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आपके साथ गेम भी हो जाएगा। बट एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी एक्टिविटीज़ आप प्लान करते हैं ड्यूरिंग योर क्लास वो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, चैप्टर भी कंप्लीट करना है, और आपको एक्टिविटी भी करानी है, बट यू हैव ओनली 40 to 45 minutes, तो इन द मीन वाइल आपको सारे काम करने हैं, तो अपनी प्लानिंग जरूर करिए एक्टिविटीज़ की, बट नॉट मोर देन 3 to 4 minutes। तो यही टिप है, और आगे मिलते हैं दूसरे टिप के साथ में।